नमस्कार। आप सभी ने ब्लॉग शब्द का उपयोग बहुत बार सुना होगा कि वो मेरा ब्लॉग लिखता है या मैं अपने इस विषय पर ब्लॉग लिखता हूँ, मेरा खुद का एक ब्लॉगिंग अकाउंट है, मैं एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ। इसी तरीके से ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपकी कोई भी आर्टिकल्स हैं, आपको लिखने का शौक है और आप चाहते हैं कि आपकी ऐसी कोई वेबसाइट बने, एक पर्सनल वेबसाइट जो पब्लिकली हो, जिसको आप सबको दिखा सकें। ये सामने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विकिपीडिया का पेज है जो ब्लॉग की डेफिनेशन देता है। अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पब्लिश्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर आपकी आर्टिकल्स, आपकी जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना, ऐसी एक वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ब्लॉग का यूज़ कर सकते हैं। आपको लिखने का शौक है, आपको कहीं घूमने का शौक है तो आप वीलॉग बना सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर विषय पे आर्टिकल लिखते हैं तो ब्लॉग बना सकते हैं। आप कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आप अपने एक्सपेरिमेंट्स वहाँ शेयर कर सकते हैं। वहाँ आप वीडियो के लिंक्स लगा सकते हैं, वहाँ आप इमेजेस लगा सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, बिना एक पैसा दिए हुए। आज हम सीखेंगे कि मोबाइल फोन से हम ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम चलते हैं एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप टाइप करेंगे ब्लॉगर, BLOGGER, ब्लॉगर। हालांकि ब्लॉग को बनाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स, कंपनियां हैं जो आपको फ्री में ब्लॉग बनाने के लिए ऑफर करती हैं, जैसे Wix.com है, Weebly.com है, WordPress.com है। ऐसी ही एक पॉपुलर जो गूगल की वेबसाइट है, गूगल कंपनी ने अपनी एक सर्विसेज दी हुई है जिसे हम ब्लॉगर या blogspot.com के नाम से जानते हैं। तो गूगल की ये सर्विस है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, सिक्योर है और सबसे बड़ी बात है कि आपका कंटेंट इजीली SEO पर आता है। जैसे आज हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले हम जनरली गूगल पर सर्च करते हैं, तो गूगल का ही ये प्रोडक्ट है और आपका लिखा हुआ कंटेंट गूगल से ही रिलेट करेगा, तो फटाफट से ये चीज़ आपको सर्च इंजन में आपको हेल्प करेगी और आपके कंटेंट को पहले नंबर पर दिखाने की कोशिश करेगी। तो ब्लॉगर के लिए आपको ये ब्लॉग ऐप डालना है और इसमें क्या कुछ नया है, लास्ट जो इसकी अपडेट है वो 30 अप्रैल 2020 को हुई है। व्हाट्स न्यू एक बार देख लेते हैं। सिंपल साइन अप स्टेप ऑन द ब्लॉगर ऐप टू स्टार्ट ब्लॉगिंग राइट अवे, मैनेज योर ब्लॉग बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन द गो, और आप इसमें पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट से चलते हैं। इस ऐप की रेटिंग भी बहुत अच्छी है और ये आपने ब्लॉग इंस्टॉल कर लिया, अब हम इसे ओपन करेंगे। ये ब्लॉगर ऐप का लुक है जिस पर आपको साइन इन करना है अपने जीमेल अकाउंट के साथ। हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक जीमेल अकाउंट होता ही है और अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग का जीमेल अकाउंट अलग हो तो आप अपना अलग अकाउंट बना सकते हैं। सिंपल, आप यहाँ साइन इन करेंगे। अगर आपके फ़ोन पे एक से ज़्यादा मेल लिंक हैं तो फिर आपको कोई एक मेल चूज़ करना पड़ेगा जिस पर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कोई एक मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आपने मेल सेलेक्ट किया तो आपके लिए एक ब्लॉग की डैशबोर्ड स्क्रीन आ गई। ये है वेलकम टू ब्लॉगर, क्रिएट अ यूनिक ब्लॉग टू पब्लिश योर पैशन योर वे। यहाँ पर ये अकाउंट है, इस अकाउंट पे आप अपने ब्लॉगर के बारे में जान सकते हैं, किस मेल आईडी से आपने साइन इन किया हुआ है। क्रिएट अ ब्लॉग, एक ब्लॉग लिखते हैं। ब्लॉग का क्या नाम रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, माई ब्लॉग। तो क्या इस नाम से मुझे एड्रेस मिलेगा? अगर ये ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है तो नहीं मिलेगा, और अगर किसी ने नहीं लिया है तो मुझे मिल जाएगा। तो माई ब्लॉग हमने सेलेक्ट किया कि ये मेरा ब्लॉग है। नेक्स्ट करते हैं, ब्लॉग का यूआरएल क्या रखना है। ब्लॉग का यूआरएल रखते हैं माई फर्स्ट ब्लॉग .blogspot.com। इसने कहा यूआरएल अनअवेलेबल, तो हमें कोई और नाम सोचना पड़ेगा। चलिए, मुझे एक ब्लॉग का नाम मिल गया, itnewswithme.blogspot.com, और हमने इसको नेक्स्ट किया। आप अपना यहां पर नेम डालेंगे, जो भी आपका नाम है। मैंने लिखा अपना नाम रवि कुमार। नेक्स्ट करते हैं। अब आपका ये माई ब्लॉग क्रिएट हो रहा है, आपके यूआरएल को रजिस्टर किया जा रहा है जो आपने रजिस्टर किया था। नो पब्लिश पोस्ट, अब आपका एक ब्लॉग रेडी हो गया है। यहां पर ये नीचे आप पेन का आइकन देख रहे हैं,
इस पेन पर आप क्लिक करेंगे, एक टाइटल पोस्ट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिखा माय फर्स्ट पोस्ट, ये आपकी पहली पोस्ट का टाइटल है। स्टार्ट क्रिएटिंग योर पोस्ट, अब आप यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं। और अगर आपके पास में गूगल इंडिक कीबोर्ड है तो आप यहाँ इस स्पीकर बटन की, माइक बटन की हेल्प से जो बोलेंगे वो टाइप होना शुरू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट माय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग ब्लॉग। टुडे आई एम वेरी इंटरेस्टिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां से, आप ब्लॉग करेंगे। मान लीजिए आपने ये आपकी पहली पोस्ट लिखी, इस पर आप कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो अटैचमेंट से आप लिंक लगा सकते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर कोई इमेज लगाना तो आप कोई इमेज अपनी गैलरी से उठा करके लगा सकते हैं परमिशन दे करके। और अपने कंटेंट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है तो ये सिंपल फॉर्मेटिंग फीचर है। तो मान लीजिए आपका ये ब्लॉग कंप्लीट हो गया, आपने लिख दी एक पोस्ट, आपने इसको ओके किया। क्रिएट अ पोस्ट, क्या इसको एक पोस्ट बनाना है, इसको कोई लेबल आपको देना है। आपने इसको लेबल दिया फर्स्ट पोस्ट और अब आपने इसको सेंड बटन पर क्लिक किया, पब्लिश योर पोस्ट। ये पूछ रहा है कि आपकी पोस्ट को पब्लिश कर दें क्या, तो यस हमने कहा। अब नीचे देखिए यहाँ पर एक URL लिखा रहा है itnewswithme.blogspot.com। तो ये जो एक वेबसाइट है जो आपके नाम पर बन गई, ये एक फ्री वेबसाइट है। आपका ये URL बन चुका है itnewswithme.blogspot.com। इसी तरीके से आप भी अपना कोई यूनिक नाम लेकर के अपना ब्लॉग बना सकते हैं और ये न्यूज अब पब्लिश हो जाएगी इस ब्लॉग पर। जैसे ही आपने पब्लिश पर क्लिक किया तो ये इस टाइमिंग पर ये पब्लिश हो गई है। हम चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर हम इस वेबसाइट को डालते हैं itnewswithme.blogspot.com। और जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो ये एक वेबसाइट जो आपके नाम पर बनी है, माय ब्लॉग के नाम से आपका ब्लॉग बन गया, आपकी पहली पोस्ट आ गई है। और इस तरीके से आप अपनी एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें और भी ज़्यादा डीप में आप जाएंगे तो आप HTML की एडिटिंग भी कर पाएंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप से। लेकिन ये एक ईजी तरीका है कि फटाफट से आपको अपनी एक फ्री वेबसाइट बनानी है और उस पर आपको अपने कंटेंट को शेयर करना है और पब्लिकली आपको न्यूज़ देनी है कि भाई मेरी एक अपनी वेबसाइट है, ये वो मेरा एड्रेस है। तो इस तरीके से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं कि भाई मेरे लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, मेरे आर्टिकल्स आप यहाँ देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्लॉग की बेसिक वर्किंग क्या है। ब्लॉगर जो गूगल की ही कंपनी है जो आपको ये सर्विसेज देती है, ये बिल्कुल फ्री है। और आप चाहें अगर भविष्य में आपको itnewswithme.com चाहिए तो आप गूगल से अपना ये डोमेन परचेज भी कर सकते हैं, ये .blogspot हट जाएगा।